हम बात कर रहे हैं IRB इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ फ़िलहाल स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ फ़िलहाल स्टॉक जो है 59.25 पैसे पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। IRB इंफ्रा ने लगातार गिरावट दिखाई, हमको 48 के लेवल से बाउंस बैक हुआ था, और जब बाउंस बैक हुआ था हमने टारगेट और एक लेवल डिस्कस किया था जिसको ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन हो जाता है तो IRB लगातार तेज़ी दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। उस लेवल को हम अगेन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त स्टॉक जहाँ ट्रेड हो रहा है हम देख सकते हैं अपने हाई के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 60 के पहले लेवल से इससे पहले भी स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी रिजेक्शन लेके, अगेन स्टॉक ने 2-3 दफ़ा 60 के लेवल से रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है, लेकिन इस रिजेक्शन के साथ बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा। स्टॉक अपने अप ट्रेंड में ही ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है, तो इस बात का सिग्नल है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और IRB हमको यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक रिजेक्शन ले जाता है तो गिरावट के साथ जहाँ सपोर्ट ले रहा है इमीडिएट 58 के लेवल पर, इसी लेवल पर इमीडिएट सपोर्ट फेस करेगा। इससे पहले 58 के लेवल पर रिजेक्शन फेस किया हुआ था स्टॉक ने, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और स्टॉक जब तक इस लो के ऊपर है यानी 53-54 के ऊपर है तब तक इसमें बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अगर इस लो को IRB ब्रेक डाउन कर गया तो फिर बड़ी गिरावट दिखा सकता है। अब हमको नज़र रखना है 60 के लेवल पर, इमीडिएट टारगेट रहेगा, स्टॉक इसके आसपास सस्टेन हो रहा है और ऑलरेडी 2-3 दफ़ा टेस्ट कर चुका है स्टॉक ने, तो पूरे चांसेस बन रहे हैं ब्रेकआउट के। 60 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो अगला टारगेट 62 और उसके ब्रेकआउट के बाद 64 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। और हमने जैसे शुरू में कहा था कि एक लेवल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसके ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, तो 64 का ही लेवल है जिसको ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ से लगातार रिकवरी IRB दिखा सकता है। 64 का हमने क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि देख सकते गिरावट आई थी तो बाउंस बैक किया था और 64 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया था, और बड़ा सेलिंग इस दौरान हमको देखने के लिए मिला था जब 64 की लेवल से रिजेक्शन लिया था। लगातार हम देख सकते हैं रेड कैंडल देखने के लिए मिल रहे थे, सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी, तो अब 64 का लेवल इसका तगड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक अगर ऊपर सस्टेन हो जाता है IRB तो वैसे कंडीशन में फिर बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, अपने हाई को ब्रेकआउट करके करता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना है 64 के ब्रेकआउट का, यहाँ तक का हमको जंप देखने के लिए मिल सकता है। अगर पोजीशन बनाते हैं तो इसके आसपास एग्जिट किया जा सकता है और इसके आसपास फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।